होलोसीन खत्म हो गया है, अब हम क्या करेंगे और अगले कुछ हजार सालों में हम पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। हमने अब तक जो भी चीज देखी है बदल रहा है और काफी तेजी से बदल रहा है। इस प्लेनेट पर कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, सब कुछ बदलता है। पृथ्वी हमेशा छलांगे लगा रही है और हम नहीं जानते कि इस छलांगों के दूसरी तरफ क्या होने वाला है। इस प्लेनेट पर हर चीजें चलती रहती है, कुछ भी स्थिर नहीं, समय के साथ हर चीज बदल रहा है। जैसे ही सूरज का फ्यूल खत्म होना शुरू होगा तो सूरज यूं ही खत्म नहीं होगा। सबसे पहले इसका कोर कोलैप्स कर जाएगा जो इसके आकार को बढ़ाएगा। सूरज अब मर चुका है। ये डीप स्पेस के जमा देने वाले टेम्परेचर में धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा और हमारे सूरज की तरह ही सभी सितारों की यही किस्मत है। एक दिन नए तारों का जन्म होना बंद हो जाएगा और ये सभी पुराने तारे एक एक करके मरने लगेंगे। जिस वजह से पूरा यूनिवर्स अंधेरे में डूब जाएगा। हमारा सूरज अब एक व्हाइट डॉफ स्टार बन चुका है। अगर हम आज पृथ्वी जहाँ है उस जगह से उस वक्त अपने सूरज को देखें, तो ये उतनी ही रोशनी देगा जितना हमारा चांद पूर्णिमा की रात को देता है। व्हाइट ड्वार्फ की फीकी चमक मरे हुए सितारों और ब्लैक होल से भरे अंधेरे और खाली स्पेस में एकमात्र रोशनी देगा। दूसरी तरफ न्यूट्रॉन स्टार्स भी धीरे धीरे करके आपस में टकराने लगेंगी। जिस वजह से काफी चमकदार सुपरनोवास का जन्म होगा, लेकिन सुपरनोवास की रोशनी भी यूनिवर्स को कुछ सालों तक ही रोशन कर पाएगी। अगर इस वक्त तक कोई एडवांस सिविलाइजेशन जिंदा रही तो उनका घर ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स होंगे, लेकिन एक दिन इन व्हाइट ड्वार्फ्स की रोशनी भी फीकी हो जाएगी और इनका भी अंत हो जाएगा। अब पूरे यूनिवर्स के मर चुके स्टार व्हाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ में बदल जाएंगे, जिनमें ना ही कोई रोशनी होगी और ना ही अपने आप को गर्म रखने की ताकत। एक ब्लैक ड्वार्फ को बनने में ट्रिलियन ऑफ ईयर्स का समय लगता है, जिस वजह से हमें आज तक कोई ब्लैक ड्वार्फ स्टार नहीं मिला। अब सभी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल्स का काम शुरू होगा। ये कब्रिस्तान बन चुके यूनिवर्स में सभी मर चुके तारों को निगलना शुरू कर देंगे। इस समय यही ब्लैक होल्स किसी एडवांस यानी टाइप 3 सिविलाइजेशन को जिंदा रखने के लिए हीट और एनर्जी का एकमात्र सोर्स होंगे। लेकिन जब ये सभी ब्लैक ड्वार्फ को निगल लेंगे तो इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। पर अब तक ये सभी सुपर मैसिव ब्लैक होल इवॉल्व होकर काफी बड़े हो चुके होंगे। कुछ तो इतने बड़े हो जाएंगे कि उनका मैस हमारे सूरज से ट्रिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा होगा।
और जब ये बड़े बड़े ब्लैक होल्स एक दूसरे से मिलने लगेंगे तब पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटी की लहर बनने लगेगी, जिस वजह से पूरा यूनिवर्स सिकुड़ना और फैलने लगेगा। और ये तब तक होगा जब तक आपस से टकरा रहे ये दो या तीन ब्लैक होल्स एक ना बन जाए। पहले साइंटिस्ट मानते थे कि ब्लैक होल्स अमर होते हैं, लेकिन इन पर ज्यादा रिसर्च करने के बाद पता चला है कि एक दिन इन्हें भी मरना है। दरअसल क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार हमारा पूरा स्पेस पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल से भरा हुआ है, जिन्हें हॉकिंग रेडिएशंस कहते हैं। ये आपस में मिलते हैं, फिर अलग होते हैं, फिर मिलते हैं, और इस तरह ये एक दूसरे को खत्म करते हैं। लेकिन यूनिवर्स के अंत के वक्त जब पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ ब्लैक होल ही बचेंगे, तब इनमें से एक पार्टिकल्स इन ब्लैक होल की ग्रेविटी के कॉन्टेक्ट में आकर इसके अंदर समा जाएगा, और इन रेडिएशन पार्टिकल के वजह से ब्लैक होल भाप बनना शुरू हो जाएंगे, और आखिर में इनमें भी एक बड़ा धमाका शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे करके सभी ब्लैक होल इस तरह मरने लगेंगे, लेकिन ब्लैक होल के मरने के बाद भी हमारा ब्रह्मांड फैलता रहेगा, जिसकी वजह डार्क एनर्जी होंगे। अब ये डार्क एनर्जी कभी खत्म होंगे या फिर ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे यूनिवर्स को फैलाते रहेंगे, इसका किसी वैज्ञानिकों को नहीं पता, क्योंकि अब तक डार्क एनर्जी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए हमें ब्रह्मांड के अंत और ब्रह्मांड के जन्म के बारे में जानने के लिए डार्क एनर्जी के बारे में सब कुछ जानना होगा। लेकिन हमें अभी इतना तो पता है कि आखिरी ब्लैक होल के खत्म होने के बाद यूनिवर्स को रोशन करने वाली कोई चीज नहीं बचेगी, और हमारा पूरा यूनिवर्स अंधेरे और जमा देने वाली ठंड में बदल चुका होगा। हमारा आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भविष्य में इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।